का डोगरा में पुलिस गर्दी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। मुजाहरीन का पुलिस पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मुदस्सर अली भट्टी से। जी मेरी सरकार के दौरे हुकूमत में भी रिश्वतखोरी का निज़ाम ना बदल सका, लेकिन सफदराबाद पुलिस के जो एएसआई जमान के खिलाफ आज प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज किया जा रहा है। ये वर्षा जो इसके बच्चे थे उसको अगवा करके ले गए, उसको बाद इसको 20,000 रुपया रिश्वत देने के बाद इसको छोड़ा है। इस वक्त मेरे साथ मुतासरा शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये मामला क्या है। क्या कहेंगे जी आप, क्यों आपको पुलिस ने पकड़ के ले गए और बाद में रिश्वत लेकर छोड़ा है? वो जी ढाबा असं आ रहे सर चक के रहने वाले हैं, ढाबा आन डे सी नाके तो उन्हें सू डकिया मुंडिया तलाशी ली आ गड्डी सुन ले असी थाने गए हैं, थाने नहीं लभे मुताबिक जाके लभे 3 घंटे बाद 35,000 रुपया मांगता 20,000 दे के मुंडे छुड़ाए हैं 3 घंटे बाद अजमान ऐसा जी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जमान है ऐसा ही वो सफदराबाद थाने में तैनात है, उसके खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो हमारे जो बच्चे थे उनको अगवा करके एक गांव में ले गया, उसको बस 2 घंटे बाद इन्होंने को जाके उसको ढूंढा, ढूंढने के बाद इन्होंने 20,000 रुपया उसको रिश्वत दिया, उसके बाद उसने उसको जो रिहा किया है। इन्होंने DPO शेखपुरा, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि ये रिश्वतखोरी का जो बाजार गर्म किया हुआ है सफदराबाद पुलिस ने, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके मुदस्सर। आपका बहुत शुक्रिया।